नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल की मान्यता किसको मिलती है और राज्य स्तरीय दल को मान्यता मिलने की क्या शर्त होती है। तो आज की डेट में अगर भारत में देखा जाए तो 8 मान्यता प्राप्त दल हैं, 8 मान्यता प्राप्त दल हैं और इन दलों को मान्यता कैसे मिलती है इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आखिर मान्यता मिलने से इनको बेनिफिट क्या है, तो मान्यता किस आधार पर मिलता है। तो ये जो दल होते हैं इनका जो परफॉर्मेंस होता है लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में, इनको कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए और कितनी सीटें इन्होंने जीती, उसके आधार पर इन्हें राज्य स्तरीय दल का दर्जा या फिर इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए उसका बेनिफिट क्या है कि जैसे मान लीजिए जिसको मान्यता प्राप्त मिल गया तो उनके लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उनके लिए क्या है कि जो रेडियो पे जो प्रसारण के लिए समय दिया जाता है उनको ज्यादा समय दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय दल को ज्यादा दिया जाता है, उसको क्षेत्रीय दल को दिया जाता है और जो नॉन रजिस्टर्ड है उनको बहुत कम दिया जाता है। इसके अलावा जो इनके चुनाव के कैंपेनिंग के लिए जो स्टार प्रचारक होते हैं नेशनल पार्टी को ज्यादा दिया जाता है, क्षेत्रीय पार्टियों को कम दिया जाता है। तो इसका ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इनका चुनाव चिन्ह एक बार निर्धारित हो जाता है। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है। कांग्रेस है तो उसका हाथ का पंजा है। तो जब इनका जैसे राष्ट्रीय दल है ये, तो इनका जब एक बार चुनाव चिन्ह निर्धारित हो गया तो पूरे देश में कहीं भी ये अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, तो इनको वही चुनाव चिन्ह मिलता है। तो इससे क्या होता है कि इनको बताना नहीं पड़ता है और इनके जो वोटर होते हैं वो आसानी से समझ जाते हैं कि ये हमारी पार्टी है और इसका ये चुनाव निशान है। और केवल रजिस्टर्ड दल है तो उनका हर जगह जो भी प्रत्याशी उनका लड़ेगा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चुनाव मिलेगा, चुनाव चिन्ह अलग अलग भी उनको मिल सकता है। तो उनके लिए वो चीजें प्रॉब्लम होती है रिकॉग्नाइज करने में। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग, तो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल क्या होता है। तो इसको पहली बात, जो निर्वाचन आयोग होता है इनको सबसे पहले वो पंजीकृत करता है, रजिस्टर्ड करता है और इनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर ही उनको ये अलॉटमेंट किया जाता है। ठीक है, उन्हें ये दर्जा दिया जाता है, उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है। तो ये 8 राजनीतिक दल हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें आपका ये भारतीय जनता पार्टी हो गया। ठीक है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और जो लेटेस्ट ये 2019 में 8वें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली है नेशनल पीपल्स पार्टी को। ये नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है और इसको जो है चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है और इस तरह से क्या बन गया है, ये बन गई है आपकी राष्ट्रीय पार्टी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या शर्तें होती हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने की। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए यहां पे 3 शर्तें हैं। ठीक है, कितने शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि लोकसभा अथवा विधानसभा का जो आम चुनाव हुआ है, आम चुनाव का मतलब जो एक तरह से जैसे एक उपचुनाव होता है एक आम चुनाव होता है, तो उपचुनाव अगर कोई सीट वैकेंट है तो उसके लिए चुनाव होता है, तो उससे नहीं मतलब है। जब आम चुनाव हो पूरे लोकसभा के लिए, जब उसका कार्यकाल पूरा होता है, ठीक है, तब जब चुनाव होता है तो इसमें लोकसभा अथवा विधानसभा में, आम चुनाव में उसे क्या है, 4 या 4 से ज्यादा सीटें, उसको 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में वैध मतों का 6% मत मिलना चाहिए। ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में जितने भी वैलिड वोट हैं उसका कितना वोट चाहिए इनको, 6% वोट चाहिए। और इसके साथ ही इन्हें और क्या चाहिए, किसी राज्य या राज्यों में, एक राज्य में या एक से अधिक राज्यों में इनको 4 MP चाहिए। ठीक है, 4 MP प्लस 4 या 4 से अधिक राज्यों में, मतलब कम से कम 4 राज्य में जो भी चुनाव हो रहा है उसमें इनको कितने परसेंट वोट चाहिए, 6%। अगर इसको नहीं कंडीशन पूरी कर पा रहे हो तो दूसरी कंडीशन दी है जो है संविधान के द्वारा दिया गया है, तो यदि वह लोकसभा में 2%, कितने, लोकसभा में 2%, मतलब 11,
11 एमपी हो जाए इनके पास, और ये सदस्य जो है 3 विभिन्न राज्यों से आए। कितने राज्यों से आने चाहिए? 3 राज्यों से, 3 अलग अलग राज्यों से। अगर एक ही राज्य में इनको 11 सीटें मिल जाती हैं तो इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। ये तीनों सीटें अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए, ठीक है, विभिन्न राज्यों से होने चाहिए, 3 राज्यों से, ठीक है, 11 सीटें। अगर ये भी पूरा नहीं कर पा रहे हो तो एक और ऑप्शन है कि यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले, तो 4 राज्य में अगर उसे राज्य स्तरीय दल प्राप्त अगर दर्जा मिल जाता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कौन होती है। तो ये समझ गए आप लोग, 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव है उसमें इन्हें 6% वोट मिलना चाहिए, ठीक है, और लोकसभा में, ठीक है, उन्हें 4 सीट प्राप्त करना होगा, ठीक है। कितनी सीटें प्राप्त करनी होगी? 4 सीटें प्राप्त करनी होगी। वो किसी एक राज्य से भी हो सकता है और एक से अधिक राज्यों से भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि लोकसभा में उन्हें 2% स्थान जीतना, यानी कि 11 सीटें, 11 एमपी होने चाहिए और कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए, अलग अलग राज्यों से, और या तो फिर 4 राज्यों में इन्हें क्या मिल जाए, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई राष्ट्रीय दल बनने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि राज्य स्तरीय दल कैसे बनते हैं। तो राज्य स्तरीय दल बनने के लिए क्या शर्त है? तो किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तब देंगे, देखिए यहां पे कितनी कंडीशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से कोई भी एक शर्त पूरी कर लो तो तुम्हें राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तो जो विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% पद प्राप्त करना है। कितने प्रतिशत मत? 6%। किसमें? लोकसभा या विधानसभा, सॉरी लोकसभा नहीं, विधानसभा, ठीक है। तो जो विधानसभा, राज्य की विधानसभा का आम चुनाव हुआ है उसमें कितने प्रतिशत वोट चाहिए? 6%। और इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए? इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान, यानी कि 2 एमएलए चाहिए आपको, यानी कि 2 एमएलए अगर आपके जीत जाते हैं और 6% मत आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। चलिए छोड़िए, अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो दूसरी शर्त आपके लिए क्या है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ हो, ठीक है, उस राज्य, राज्य की लोकसभा में आम चुनाव जो होता है उस राज्य की, राज्य के लिए, तो उस समय हुए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त होना चाहिए। उस राज्य में जितने भी वैलिड मत हुए हैं उसका 6% मत इनको मिलना चाहिए, एवं संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट, कम से कम 1 एमपी जिता लो भैया, 2 एमएलए नहीं जिता सकते हो, तो आप क्या करो कि 2 एमपी जिता लो तब भी आपको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाता है। चलो अगर ये भी नहीं कर पाते हो तो तीसरी शर्त है कि राज्य के विधानसभा के कुल स्थानों का 3%, जितना भी स्थान है, ठीक है, जितना भी स्थान है उसका कितना प्रतिशत चाहिए? 3% या 3 सीटें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी राज्य में 100 सीट है तो 3% इसका कितना हुआ? 3 सीट हुआ। 100 सीट अगर है तो कितना हुआ? 3 हुआ। तो या तो 3, अब इन दोनों में जो 3% या 3 सीटें, 3% या, अब जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं 85 है तो भैया 1.5 सीट हुआ तो 2 मान लो, तो ये 3 से कम है ना, तो कम वाला नहीं, जो ज्यादा वाला है। तो ये इसलिए है कि भाई जहां पे कम सीटें हैं तो वहां कम से कम 3 विधायक, 3 एमएलए इनके जितने जरूरी है, ठीक है। तो ये तीसरी शर्त हो गई। इसके अलावा चौथी कंडीशन, अगर इसको भी नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा में कम से कम 1 सीट, यानी कि अगर 25 सीट है तो 1 एमपी इनका होना चाहिए, अगर 50 सीट है तो कितने एमपी होने चाहिए? 2 एमपी जिता लो भैया। तो इसी क्रम, इसी रेशियो में आपको जिताना है, अगर आप जिता लेते हैं तो आपको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। अगर यह भी कंडीशन आप पूरा नहीं कर पा रहे तो लो एक और कंडीशन है आपके लिए, इसको पूरा कर लो कि लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कितने प्रतिशत वोट? 8% वोट प्राप्त करना है, ठीक है। यह कब जोड़ा गया है? 2011 में। देखिए यहां पे क्या था कि जब आपको 6% वोट दिया गया था तो उसके साथ आपको यहां पे 2 एमएलए जिताना था, यहां 6% वोट है तो 1 एमपी जिता लो उस राज्य में, जो लोग, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उस राज्य में जितनी भी वोट पड़ा है उसका 6% मत या फिर 1 एमपी जिता लीजिए, तब भी बन सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि 3% एमएलए आप जिता लीजिए या 3 एमएलए, जो भी ज्यादा हो, ठीक है,
ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो अगर 50 25 है, 25 अगर लोकसभा की सीट है तो उसमें से आपको क्या करना है, एक सीट चाहिए, 25 पे एक तो 50 पे दो, इसी रेशियो में होना चाहिए। या फिर लोकसभा में अगर आप सीट नहीं जीत पा रहे हो तो कम से कम वोट ही ले आओ, 8% वोट ही ले आओ भैया, 8% वैलिड वोट पा जाओ, तब भी राजनीतिक दल का दर्जा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये पांच कंडीशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ये कंडीशंस क्या है। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय दल, जैसा कि आठ राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, बीएसपी, एनसीपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, तो ये आठों तो आपको याद होना चाहिए। अब कोई भी ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा है जो राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल केवल यही आठ है, इनको तो बिल्कुल याद कर लीजिए। बाकी इसके अलावा क्षेत्रीय दल कौन से हैं, शिरोमणि अकाली दल, डीएमके, ओम, एआईएडीएमके, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी आदि, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, असम गण परिषद, हरियाणा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब जो है क्षेत्रीय दल के रूप में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।